उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बना है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। यहाँ पर उपचुनाव में दोनों राष्ट्रीय दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर से दोहराया है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पिछले चुनाव से अधिक मतों से जीत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों वह खुद केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। वहां पर आगामी चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई जगह पर बैठकें भी की गई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का फोकस नामांकन पर है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, केदारनाथ में कल दो मंडलों की बैठक में रहना हुआ। मुख्य रूप से वो नामांकन की प्रक्रिया की ओर हम बढ़ रहे हैं। नामांकन भव्य हो, बड़ी संख्या में जन समुदाय नामांकन में उपस्थित रहे, उस दृष्टि एक रचना बनी है। खासतौर पर बहुत से कार्यकर्ताओं के कुछ ऐसे विषय की हर बूथ के संदर्भ में चर्चा हुई। बूथ कमेटी ठीक प्रकार से बने, उसकी चर्चा हुई। कुछ स्थानों पर बूथ समितियों पुनर्गठन का विषय आया, उसको हमने वहाँ पर सहमति व्यक्त की है। और मैं आज सबको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा मतों से जीते जा रही है।